राजन संगीरा बहुत अच्छी लगी। आई थिंक बहुत टाइम के बाद नवाजुद्दीन जी को देखा हमने इतने इंटेंस किरदार में, और रितेश बत्रा ने इससे पहले लंच बॉक्स डायरेक्ट की थी तो उन्हीं लाइंस पे हमें लग रहा था कि बहुत अच्छी कोई मूवी लेके आएंगे, और एक बार फिर से वो बहुत ही अच्छी मूवी लेके आए। दो घंटे से भी कम की मूवी है, और कैसे टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी अच्छी मूवी है। ऐसी लगेगा कि कोई रियल लाइफ स्टोरी चल रही है आपके आँखों के सामने। बहुत अच्छी, इट्स अ वेरी अनयूजुअल लव स्टोरी, तो केमिस्ट्री भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल बॉन्ड दिखाया दोनों के बारे में। एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर और एक स्टूडेंट, दोनों की केमिस्ट्री कितनी यूनिक होगी आप समझ सकते हैं। तो वही वो ये मूवी में दिखाया है कि बहुत ही दे प्रिटेंड टू बी अ कपल, क्योंकि उनको अपनी ग्रैंड मदर को खुश करना है बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू गेट मैरिड। तो वही दिखाया है, सो कॉमन मैन कैन रेजोनेट, जो भी डेली स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में, जिस तरह हम संघर्ष करते हैं लाइफ में, तो वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स दिखाते हैं विच यू कैन रिलेट टू। बहुत ही सिंपल, बहुत ही रॉ कैरेक्टर्स हैं। म्यूज़िक वगैरह ज़्यादा नहीं है इसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वे आई मीन इट वॉज रिलीज एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इट वॉज अपलॉडेड एंड सनडेंस फिल्म फेस्टिवल, और अभी बाकी जगह अब्रॉड इट्स गोइंग टू गेट रिलीज। सो इट मे नॉट बी अ मास एंटरटेनर बिकॉज इट्स वेरी स्लो पेस्ड, बट आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट। 3.5 मूवी काफ़ी अच्छी है, और एक्टर्स को जाके देखनी चाहिए। सो केमिस्ट्री अच्छी थी, दोनों का काम बहुत अच्छा था, दोनों ने नवाज सर ने और दोनों ने काम अच्छा किया, सानिया जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। सो उनको उनकी एक्टिंग के काम को देखकर लाइक आई कैन एवरी एक्टर कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम। कंटेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिफरेंट था। सो आजकल जो चीज़ें चल रही रियलिस्टिक वो था, और उसको देख कर काफ़ी मज़ा आया। सॉरी आउट ऑफ 5, या आई लाइक द मूवी पर्सनली। थैंक यू सो मच। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी। बॉलीवुड सिनेमा जैसे हम सोचते हैं गाने होंगे वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं था, एकदम रियलिस्टिक मूवी थी और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी मूवी थी। मैम ये थोड़ा रियलिस्टिक मूवी थी, तो रियलिस्टिक मूवी जैसे हमारी लाइफ में चलता है ना डेली, कुछ गाने आने नहीं बजते, नॉर्मल लाइफ चलती है, ये वैसी मूवी थी और वैसी नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, मतलब आप रिलेट कर पा रहे थे। और इसमें सोसाइटी का डिफरेंस बताया था कि कैसे मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास क्या वैसा सोचता है, हम अगर हम कोई नीचे लोग को देखें, अगर हमें उनसे प्यार हो गया तो हमें सोसाइटी कैसे देखती है, ये इसमें एक बहुत अच्छा एक पॉइंट दिखाया था। हाँ, एक बहुत अच्छा मैसेज है, और एंडिंग भी इन्होंने ऑडियंस पे छोड़ी है कि हम अपनी हिसाब से सोच सकते हैं कि एंड में ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव एंडिंग नहीं है। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट सिनेमा है और ऐसी सिनेमा चाहिए हमें। वो गाने वो वैसा ये वो टाइम चला गया मैम, एकदम नॉर्मल रियलिस्टिक सिनेमा, ताकि हम आजकल हम लोग ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं जो हम रिलेट कर सकें, ये हम रिलेट कर पाए। मैम 5 out of 4, या थैंक यू। फोटोग्राफ इज़ वेरी अमेजिंग मूवी, आपको हमेशा देखनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू अ न्यू थिंग, एंड आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल सकता है, बहुत कुछ जानने मिल सकता है। सी आई एम ऑल्सो बींग एन एक्टर एंड आई एम जस्ट इन दिस लाइन, सो जब हम देखते हैं इट्स लाइक बहुत कुछ नया देखने मिलता है एंड बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। एज यू सी रियलिज्म, नवाज इज़ गिविंग अ बेस्ट, लाइक आप उन्हें उनकी वेब सीरीज़ में देखो या उनकी मूवीज़ में देखो, ही इज़ गिविंग अ न्यू थिंग एंड ही इज़ ऑलवेज द बेस्ट। लाइक या दे आर डूइंग गुड, लाइक ऑन स्क्रीन दे आर लुकिंग गुड, या आई लाइक टू गिव इट अ 4, या थैंक यू। देखिए ये मूवी एक आर्टिस्टिक मूवी है आई थिंक, मेरे ख्याल से जो देखने चाहते हो, अगर आप इन्जॉय के लिए देख रहे हो ये मूवी जो अभी लगी हुई लुका छुपी लाइक इस तरह की, तो ये उससे काफ़ी हटके है, तो ये आर्टिस्टिक मूवी है। अगर एज एन आर्ट आप पसंद करते हैं, एज एन एक्टर, तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत यूनिक है, एक फ़ोटोग्राफर के ऊपर है ये मूवी, तो काफ़ी यूनिक।
केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी उनकी, काफ़ी अलग पर्सनैलिटी हैं दोनों ही, तो दोनों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा, लास्ट इनका मैंने सीक्रेट गेम ही देखा था नवाज सर का, तो उसमें बहुत यूनिक है और इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो 3.5। थैंक यू। मूवी ठीक थी, ज़्यादा खास नहीं लगी मूवी। केमिस्ट्री पसंद लोगों को आ रही, मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे नहीं पसंद आई, क्योंकि एज फैक्टर का फ़र्क दिख रहा था जो होता है नवाज भाई और उनका सानिया का। जैसे अब लास्ट सबसे पहली मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की अपनी ओम शांति ओम, उनमें आपस में भी एज फैक्टर था लेकिन स्टिल उनकी केमिस्ट्री दिख रही थी। पसंद स्टोरी पसंद नहीं आई मुझे, वो अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफ। डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ, क्योंकि एक जो मैसेज इन्होंने दिया है वो जो लव पार्ट को इन्होंने पूरा ऊपर रखा है कि बंदा कैसा भी रहता है, चौल में था या कुछ था, लेकिन स्टिल वो अट्रैक्शन ऐसा रहता है कि उससे कुछ भी कराता है वो अच्छा लगा कि समझते हैं लोग आपस में आजकल रिलेशन के हिसाब से कि भाई सेम लेवल का होना चाहिए तभी बात होती है, कुछ ऐसा नहीं है, वो अच्छा लगा। काफ़ी हद तक थी 2.5।